अभी हमारे जो डॉक्टर्स, हमारे पुलिस, हमारे नर्सेस के साथ जो लोग बदसलूकी कर रहे हैं, जो लोग उन पर थूक रहे हैं, उन पर पत्थर मार रहे हैं, आपने उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है तिरंगा गर्ल तंजिम मेरानी। सोनिया गांधी जी ने लॉकडाउन पर एक स्टेटमेंट दिया कि सरकार ने देश के अंदर अचानक से लॉकडाउन लगा दिया, जिसकी वजह से गरीब मजदूरों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि लॉकडाउन जो है वो देश हित के लिए। आप याद कीजिए मैडम जी, आप याद कीजिए कि जब आपकी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी, तब गरीब मजदूरों की क्या हालत हुई थी। और वो जो इमरजेंसी थी वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए थी, लेकिन लॉकडाउन जो है वो देश हित के लिए है। आप याद कीजिए, आप देश के सामने से दो चार इश्यूज तो रखिए जो देश सरकार जिस देश हित के लिए जितने कार्य किए उसमें आप ऐसे दो तीन इश्यूज तो दीजिए जिसमें आपने सरकार का सपोर्ट किया हो। लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जिसके अंदर सरकार ने देश हित के लिए कार्य किया हो और आपने उसका अपोज किया। आपने डिमोनिटाइजेशन के टाइम अपोज किया, 370 के टाइम अपोज किया, राम मंदिर के टाइम आपने अपोज किया, तीन तलाक पर आपने अपोज किया, एयर स्ट्राइक पर आपने अपोज किया, सर्जिकल स्ट्राइक पर आपने अपोज किया, CAA अपोज किया, ये सारे इश्यूज पर आपने आपने विरोध किया, आपने सपोर्ट ही नहीं किया, जबकि ये सारे कार्य देश हित के लिए है। आपकी साइकोलॉजी मेंटालिटी ऐसी हो गई ना कि बस आपको देश के साथ गद्दारी करनी है और कुछ करना ही नहीं है। आप ये बोलते हैं कि मोदी जी पीएम बनने के लायक नहीं है, मोदी जी देश चलाने के लायक नहीं है, मोदी जी सत्ता के लायक नहीं है। तो पहली बार जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद जब दूसरे इलेक्शन हुए, तो दूसरी बार भी उनकी ही सरकार आई, बीजेपी की ही सरकार आई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही बने। और दूसरी बार जब उनकी सत्ता आई तो उनको 20 सीट्स ज्यादा मिली। आपने गरीबी पर सवाल उठाया, ठीक है, आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि अभी हमारे जो डॉक्टर्स, हमारे पुलिस, हमारे नर्सेस के साथ जो लोग बदसलूकी कर रहे हैं, जो लोग उन पर थूक रहे हैं, उन पर पत्थर मार रहे हैं, आपने उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया मैं आपको बताती हूँ। आपको वोट बैंक के लिए, आपकी वोट बैंक की राजनीति चलाने के लिए आपने उस पर सवाल नहीं उठाया। आपको सत्ता के सिवा कुछ नहीं दिखता। आप मुझे ये बताइए कि आपकी ही पार्टी के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने ये नारा दिया था कि गरीबी हटाओ देश बचाओ। मैडम जी, आपने ये जो सवाल किया कि देश के अंदर कितनी गरीबी है, कितनी जो गरीब लोग हैं वो किस तकलीफों से गुजर रहे, तो मैडम जी आपके सवाल के ही जवाब, आपके सवाल में ही आपका जवाब है, आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि आप इंदिरा गांधी जी ने ये नारा दिया, उसके बाद भी कितने सालों तक आपकी सरकार थी, आपने 70 इयर्स तक क्या किया? बस सत्ता पर बैठकर आपने गफले किए, फ्रॉड किए, घोटाले किए बड़े बड़े, देश के साथ गद्दारी की, यही चीज की आपने? क्योंकि आप इतने सालों तक, आप 70 इयर्स तक आप देश के अंदर राज कर रहे थे, तो आप एक गरीबी नहीं हटा पाए? ऐसा तो नहीं है कि 2014 के बाद ही गरीबी आ गई। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।